नमस्कार खारगे जी, बाला साहब थोराट जी, विजय वडेटेवार जी, सुरेश धानोरकर जी, मानिकराव ठाकरे जी, वजाहत मिर्जा जी, आशीष दुआ जी, हमारे कैंडिडेट वमन राव कसवर, शिवाजी राव मोगे, वसंत पुरके और श्रीमती प्रतिभा धानोरकर जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हर बैंक अकाउंट में 6000 रुपए डाले जाएंगे। मिले? मिले? पिछले चुनाव में कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। मिले? नहीं मिले? अच्छा, कपास का क्या दाम मिलता है? 4000। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था? तो जहां भी ये जाते हैं, कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। ध्यान आपका सही मुद्दों से दूर ले जाते हैं। कभी चांद की बात करेंगे, कभी 370 की बात होगी, कभी कॉर्बेट पार्क में पिक्चर बनाएंगे, मगर जो आपके सामने मुद्दे हैं, जो आपका दिल का दर्द है, किसानों के सामने जो समस्या है, युवाओं के सामने जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपसे कहा था महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ होगा, हो गया? तो मुझे बताइए, ये जो सारा ढेर सारा पैसा है, ये कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? ये विजय माल्या के 9000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी के 30000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 35000 करोड़ रुपए, कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट टैक्स माफ किया है। हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का 1,25,000 करोड़ रुपया एक दिन में टैक्स माफ किया है। पिछले 5 सालों में 5,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। अंबानी, अदानी, नाम जानते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका कर देते हैं, अदानी को हिंदुस्तान के सारे पोर्ट पकड़ा दिए, यहां पे आपकी कोल माइंस प्राइवेटाइज करा दी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज कराने जा रहे हैं, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कराने जा रहे हैं, पूरा का पूरा देश 15-20 लोगों के हवाले कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करे, युवा भटकता रहे, रोजगार पूरी जिंदगी भर रोजगार ढूंढता रहे, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों और बहनों, उनको काम दे रखा है, आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी को अंबानी ने, अदानी ने काम दे रखा है। सीधी सी बात है,
नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का लाउडस्पीकर है। उसका एक ही काम है, उसका एक ही काम है, आपका ध्यान कभी उधर कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे ले जाने का। नरेंद्र मोदी का और कोई काम नहीं। और जब आप इधर देखते हो उधर देखते हो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का पूरा पैसा इन 15-20 लोगों को पकड़ा देता है। यह रियलिटी है, सच्चाई है। आप ही देखिए, मनरेगा छीन लिया, भोजन का अधिकार बदल दिया, आदिवासी बिल बदल रहे हैं, जमीन अधिकरण बिल कानून बदल दिया, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहती है जीएसटी के बारे में, कहती है भैया जीएसटी तो कानून है, इसको तो अब हम कैसे बदलें? जो गरीबों के लिए कानून बनाए गए उनको 2 मिनट में बदल सकते हैं, मगर जो छोटे दुकानदार के जेब से, छोटे बिजनेस वाले के जेब से, मिडिल साइज बिजनेस वाले के जेब से पैसा चोरी करने वाला जीएसटी का कानून, उसे ये नहीं बदल सकते हैं। आप जाइए चाय की दुकान में, चले जाइए किसी भी छोटे बिजनेस फैक्ट्री में, चले जाइए उससे पूछिए, भैया बताइए जीएसटी से आपका फायदा हुआ नुकसान? यहां मैं पूछता हूं आपसे, यहां पे नोटबंदी से आपका फायदा हुआ या नुकसान? गब्बर सिंह टैक्स से आपका फायदा हुआ या नुकसान? आपको एक गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में जो आपको कहेगा हां नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ, गब्बर सिंह टैक्स से मुझे फायदा हुआ। जाके अदानी जी से पूछिए, अंबानी जी से पूछिए, मालिया जी से पूछिए, बताएंगे हां लॉटरी खुल गई हमारी, गब्बर सिंह टैक्स नोटबंदी से लॉटरी खुल गई हमारी, छोटे छोटे बिजनेस सब बंद हो गए, अब बस हमारा ही राज है और कोई बचा ही नहीं। सच्चाई हिंदुस्तान की। और मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रहेगी हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है, सवाल ही नहीं उठता। और मैं आपको समझाता हूं क्यों। देखिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हमारी शक्ति है। अर्थव्यवस्था को चलाता कौन है? अर्थव्यवस्था को अंबानी अदानी नहीं चलाते हैं, अर्थव्यवस्था को गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटा दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेस वाला, ये लोग चलाते हैं। हमने मनरेगा किया, सीधा का सीधा 35,000 करोड़ रुपए हमने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के जेब में डाला, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान का कर्जा माफ किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, जहां भी हमारी सरकार है पल चले जाइए, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हम गरीब लोगों के जेब में पैसा क्यों डालना चाह रहे हैं? इसका कारण है, इसके पीछे सोच है। जैसे ही गरीब जनता के जेब में पैसा आता है, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से, चाहे वो किसान कर्जा माफी के माध्यम से, जैसे ही गरीब व्यक्ति के जेब में पैसा आता है वो माल खरीदना शुरू करता है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन वो खरीदना शुरू करता है। जैसे ही वो माल खरीदना शुरू करता है, फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू कर देती हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। सीधी सी बात। अब हो क्या रहा है? पूरा का पूरा पैसा आपके जेब में से छीनकर, छोटे बिजनेस वालों के जेब से, किसानों के जेब से, मजदूरों के जेब से छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के जेब में डाला जा रहा है। मनरेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 करोड़ रुपए एक दिन के अंदर माफ कर दिए। आपके जेब का पैसा छीनकर
माल्या जैसे चोरों के हाथ, अदानी जैसे लोगों के हाथ में डाला है। और ये जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, ये एक भी नहीं लिखता है। ये दिन भर ये भैया चांद की बात करेंगे, कॉर्बेट पार्क की बात करेंगे, राफेल हवाई जहाज की पूजा करके दिखाएंगे। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह फ्रांस गए, राफेल हवाई जहाज की पूजा हो रही है। अरे भैया उसी हवाई जहाज पे इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए चोरी किए हैं। मगर चोरी के बारे में मीडिया वाले नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो है, ये मीडिया वाले सब के सब उद्योगपतियों के कंट्रोल में हैं। उद्योगपति कहते हैं इनको, भैया आज ये छापना है, आज चलो चांद की बात करेंगे, कल भैया मोदी जी कॉर्बेट पार्क जा रहे हैं, कॉर्बेट पार्क की बात होगी, चलो भैया आज 370 की बात करो, चलो भैया आज जम्मू कश्मीर की बात करो। अरे भाई रोजगार की बात कब करोगे, किसानों की समस्या की बात कब करोगे? और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हिंदुस्तान का युवा देख रहा है, कह रहा भैया ये हुआ क्या? लोकसभा से पहले हमने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम न्याय योजना लाएंगे, डायरेक्ट सीधा पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। क्यों कहा था ये? हम आपको कोई फ्री गिफ्ट नहीं दे रहे थे, ये कोई तोहफा नहीं था। आप समझिए, ये पैसा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने का था। जैसे डीजल के इंजन में पेट्रोल के इंजन में फ्यूल डाला जाता है, न्याय योजना किसानों को मजदूरों के जेब में पैसा डालती। जैसे ही वो पैसा पहुंचता आप माल खरीदना शुरू करते, जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करते फैक्ट्रियां चालू हो जाती, फैक्ट्रियां चालू होती युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाता। सीधी सी बात है। और दिन भर नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी होती है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते, मुझे एक बात बताओ, ये जो टेलीविजन में इनका चेहरा आता रहता है, अखबारों में इनका चेहरा आता रहता है, क्या ये मुफ्त में आता है क्या? ये फ्री में आता है क्या? ये न्यूज़पेपर वाले अखबार वाले इनको फ्री में मतलब जगह दे रहे हैं क्या? नहीं भाई साहब, ये आपका पैसा लूट लूट कर इनको पकड़ा रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको रोज देखना पड़ता है। और महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है, यहां पे गरीब लोगों की सरकार बनने जा रही है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की। मैं कुछ ही दिन पहले गुजरात गया, वहां पे छोटे व्यापारियों ने मुझे कहा, देखिए हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। मैंने पूछा कैसे? कहते हैं देखिए हमारा हीरे का धंधा था, कपड़े का धंधा था, आजकल गुजरात में 24 घंटा जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद 24 घंटा हमसे रिश्वत मांगने कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी अफसर आते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आते हैं। 24 घंटे हम जीएसटी फॉर्म भरते हैं और फिर उनको पैसा देते हैं। 24 घंटे हम उनको पैसा देते, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया, खत्म हो गया। और यही कहानी महाराष्ट्र में है, यही कहानी गुजरात में, कर्नाटक में, सब जगह यही कहानी है। जो काम करता है उसकी रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी, और जो रिश्वत लेता है इनकम टैक्स वाले, ये सारे के सारे लोग, इनको पूरा का पूरा आपका पैसा पकड़ा दिया नरेंद्र मोदी ने। और ये चलेगा, आप देखना अभी जो हालत है ना, 6 महीने बाद देखना, आज जो बेरोजगारी है उससे 6 महीने में दुगनी हो जाएगी। तो आपकी हालत
जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे हुए हैं तब तक सुधरने वाली नहीं है। आपके सामने एक ही ऑप्शन है, महाराष्ट्र में सरकार बना दो, कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सरकार बना दो, महाराष्ट्र में हम ठीक कर देंगे। अभी दिल्ली के चुनाव में थोड़ा समय है, वहां पे भी बाद में ठीक होगा, मगर आपका आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, अभी आप इसको ठीक करिए। नोटबंदी की आपसे कहा था, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आपने पूरे देश को लाइन में देखा। माताजी आप थी ना लाइन में, नोटबंदी में खड़ी थी ना आप, उस लाइन में आपने अदानी जी को अंबानी जी को देखा था क्या? वो खड़े थे क्या लाइन में? उस लाइन में आपने अरबपतियों को चोरों को देखा? एक नहीं खड़ा था, मगर किसान खड़े थे, मजदूर खड़े थे, छोटे दुकानदार खड़े थे। आपके जेब में तो पैसा निकाला, नरेंद्र मोदी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, मुझे फांसी लगा दो कहते हैं, अगर काला धन वापस नहीं आया मुझे फांसी लगा दो। वो नीरव मोदी भाग गया 35,000 करोड़ रुपए लेके, विजय माल्या भाग गया, फिर फांसी की बात नरेंद्र मोदी ने नहीं की, फिर जीएसटी पे चले गए, जीएसटी के बाद पुलवामा, पुलवामा के बाद 370। मगर जो आपके सामने मुश्किलें हैं उसके बारे में नरेंद्र मोदी बात नहीं करेगा और ना उनको हल करेगा। लाउडस्पीकर है अंबानी और अदानी का, बस जैसे जेब काटी जाती है ना, जेब काटने से पहले जो जेब काटता है ध्यान को इधर उधर करता है ना, वैसे ही नरेंद्र मोदी आपके जेब में से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दे रहे हैं। और जो हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के कंपनीज हैं, नवरत्ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहां पे आपके जो कोल माइंस थी, रेलवे स्टेशन, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप देखना, ये सब की सब अंबानी और अदानी के हाथ कर दिए जाएंगे, आप देखना, एक के बाद एक सब की सब बड़ी बड़ी कंपनियां, पेट्रोल की कंपनियां, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सब की सब एक के बाद एक एचएल, सब की सब सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाएंगे। ये पैसा आपका है, ये कंपनियां आपकी हैं, ये देश आपका है, ये देश दो तीन लोगों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, युवाओं का है, और आपको लड़ना पड़ेगा, मिलके हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा देश बेच देंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहता था, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को जिताइए, एनसीपी को जिताइए, हमारे यहां पे कैंडिडेट्स हैं भारी बहुमत से, इनको जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दूर दूर से आप आए मेरी बात सुनने, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।